गाइस, मैं बाबू ताहिर आज एक दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। आज हम लोग लेबो सिटीजन के बारे में बात करेंगे। ये लेबो सिटीजन क्या होता है, या फिर उसका यूजेस, साइड इफेक्ट, डोसेज, उसका स्पेशल प्रिकॉशंस क्या होता है, सब के बारे में बताएंगे। उसका किस किस ब्रांड नाम से आपको दुकान में मिलेगा उसके बारे में बताएंगे। सो लेबो सिटीजन एक एंटी हिस्टामिन ड्रग्स है, जो मतलब हमारे बॉडी में जब हिस्टामिन इंक्रीज होता है तो सर्दी जुकाम या फिर इचिंग भी होता है, तो वो लेवोसिटिजिन जो है वो स्टेम उसको ब्लॉक करता है, उसको रिड्यूस करता है। सो लेवोसिटिजिन का यूजेस क्या होता है कि हमारे बॉडी में जब इचिंग होता है या फिर कोई स्किन रैसेस हो सकता होता है तो उसके लिए भी आप ले सकते हैं। अगर हमारे आँखों से पानी निकलता है तो उसके लिए भी ले सकते हैं। नाक से पानी निकल रहा हो, आपको छींके आ रही हो, या फिर आपको कोई कीड़ा काट लिया हो, जहरीला कीड़ा, तो उसके लिए भी आप लेवोसिटिजिन ले सकते हैं। तो अब बात करेंगे इसका डोसेज के बारे में, कि इसका एडल्ट डोज क्या होता है, इसका चाइल्ड डोज क्या होता है, या फिर ये किस किस फॉर्म में आता है। सो इसका जब एडल्ट डोज मतलब 12 साल के ऊपर जो रहते हैं उसको आप दे सकते हैं 5 mg, 10 mg रात में दे सकते हैं, या फिर कोई ज़्यादा कंडीशन हो तो आपको दिन में 2 बार भी आप दे सकते हैं। इसका चाइल्ड डोज आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, सॉलिड फॉर्म में भी आता है, 2.5 mg रात को, या फिर ज़्यादा कंडीशन में आपको दिन में 2 बार भी दे सकते हैं। तो इसका असर, ये मेडिसिन लेने के बाद इसका 2 घंटे में इसका असर शुरू हो जाता है। इसका असर 16 से 24 घंटे तक रहता है। सो ये लेबोसिटिजिन का डोसेस। अब हम बात करेंगे इसका जो साइड इफेक्ट होता है, कि अब अगर इसको ओवर डोज हो गया तो क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। सो इसका ओवर डोज में इसका आपको सर दर्द हो सकता है, या फिर आपको वॉमिटिंग भी हो सकता है, नौसे हो सकता है, या फिर आपका पेट में दर्द हो सकता है, आप कॉन्फ्यूज हो सकते हैं, आपको सेडेशन फील हो सकते हैं। तो ये रहा इसका कुछ साइड इफेक्ट। आप इसको अगर यूज़ करते हो तो डॉक्टर की सलाह मान के करें, ये बेटर रहेगा। सो गाइस, अब बात करेंगे इसका स्पेशल प्रिकॉशंस के बारे में, ये टेबलेट लेने के बाद क्या क्या नहीं करना है इसके बारे में बात करेंगे। सो ये टेबलेट लेने के बाद आपको कोई भी अल्कोहल नहीं लेना है, या फिर आप ये टेबलेट लेते हो तो आपको ड्राइव नहीं करना है, या फिर कोई ऊंचे पोजीशन पे नहीं जाने का है। सो अगर आपको कोई लीवर में या फिर किडनी में डिजीज होता है तो ये टेबलेट आप डॉक्टर से सलाह लेके लें, इससे अच्छा होगा आपके लिए और आपके सेहत के लिए भी। अब बात करेंगे ब्रांड नेम्स के बारे में, तो क्या क्या कौन से नाम से आपको ये मेडिसिन के शॉप में मिलेंगे। ये आपको कुछ भोजेट के नाम से भी मिलेंगे, कुछ लेजिन के नाम से मिलेंगे, और ये लेबोसिटिजिन कुछ कॉम्पोजिशन के साथ आता है, जैसे कि लेबोसिटिजिन के साथ मोंटेलुकास रहता है तो इसका अच्छा असर रहता है। जो मोंटेलुकास जो है वो अस्थमा के पेशेंट को दिया जाता है। तो टेलेकास्ट एल के नाम से मिलेंगे, या फिर मोंटेरेलसी के नाम से भी मिलेंगे, आपको मेडिकल शॉप में मिल जाएंगे। सो ये रहा लेबोसिटिजिन का मेरा पूरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो आपको जल्दी पहुंच सके।